आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसके लिए ब्लॉक व जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला में युवा कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए युवा अध्यक्ष की कमान संदीप सोनी को सौंपी गई। पार्टी के संगठनात्मक जिला कांगड़ा के संयोजक देशराज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धर्मशाला के युवा कार्यकारिणी में अध्यक्ष संदीप सोनी, उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता, कुणाल भाटिया को मीडिया प्रभारी व नरेश शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान महिला शक्ति को भी पार्टी से जोड़ने के प्रयास करने की बात कही गई। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए धर्मशाला ब्लॉक में ऑक्सीमीटर अभियान के तहत प्रयास करने की बात कही गई। देशराज चौधरी ने कहा कि पार्टी प्रदेश को नया विकल्प देने के साथ सत्ता परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है तथा आने वाले दिनों में स्वच्छ छवि के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक जिला कांगड़ा के संयोजक देशराज चौधरी ने कहा कि धर्मशाला की युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया है, पहले से बनी कार्यकारिणी को विस्तार दिया है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर तीसरा विकल्प प्रदेश में खड़ा किया जा सके और दिल्ली मॉडल को हिमाचल में अपनाने की कोशिश करें। सत्ता परिवर्तन करने को लेकर पार्टी कार्य करेगी। आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की युवा कार्यकारिणी का गठन किया है और यहाँ पर जो पहले कार्यकारिणी बनी हुई है उसको हमने जो पार्टी के विस्तार की रूपरेखा दी है और आगामी रणनीति ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी से जुड़ें ताकि आने वाले समय में हम एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तीसरा विकल्प जो है वो खड़ा कर सकें और दिल्ली मॉडल को यहाँ पर अपनाने की कोशिश करें तथा व्यवस्था परिवर्तन लाने की हमारा प्रयास रहेगा। अभी हम ग्रामीण स्तर पर जो हैं वो इतने ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं क्योंकि हम पिछले पत्रकार सम्मेलन में हमने कहा था कि हम इतने सदस्य बनाएंगे, लेकिन कोरोना ने हमारी रफ्तार को रोक दिया है। लेकिन बहुत जल्द जो है वो हम लोगों के पास जाएंगे, एक दो दो आदमी जाएंगे और पार्टी का प्रसार करेंगे। इस बार हम तीसरा विकल्प देंगे और अवश्य देंगे। अभी तक सदस्य अभियान चला हुआ है और मेरे अधीन जो हैं वो चार विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें हमने पार्टी का संगठन खड़ा कर दिया है और वो सदस्य जो हैं लोग हर कंस्टिट्यूंसी में जो हैं वो मेंबरशिप जो है वो बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी धर्मशाला की नवनियुक्त महिला विंग अध्यक्ष बीना कुमारी ने कहा कि मैं नई विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीमीटर अभियान चलाया है, उसी के तहत गांव-गांव जाकर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा। इसी तरह से पार्टी का विस्तार किया जाएगा। मेरा नाम बीना कुमारी है, पार्टी की साइड से मुझे महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर जो है वो नियुक्त किया गया है और आज से मैं जो हूँ वो एक नई विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी के साथ मैं कार्य करना कर रही हूँ। सर, इसके लिए सबसे आजकल के इसमें सर आपने देखा है कि केजरीवाल जी ने एक ऑक्सीमीटर को लेके जो दिल्ली में उनका एक चलाया है उन्होंने, तो उसी के जरिए हम जो है वो एक गांव-गांव में जाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और एक पार्टी का विस्तार करेंगे। अभी तो सर देखो यहाँ अभी तक दो ही पार्टियाँ हैं जो मेन जो है वो कार्य करती रही हैं। एक नई विचारधारा है अभी, इसके साथ हम इसको लेके हम इधर आए हुए हैं, तो अभी आगे चल के ही इसका हमें ये चले पता चलेगा कि कितने लोग हमें हमारी विचारधारा को जो अपनाते हैं और हमारे साथ चलते हैं।